हेलो फ्रेंड्स, आज की रियल लाइफ में हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो यूज़ करते हैं, मगर लोगों में कई सारी कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली इन तीन कार्डों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एग्जैक्टली होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है और इन तीनों का काम क्या क्या होता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एग्जैक्टली होता क्या है। फर्स्ट है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से हम एटीएम मशीन से पैसे विद्रॉ यानी निकाल सकते हैं। इस प्रकार के कार्ड में फ्रंट साइड में किसी भी प्रकार का वीजा, मास्टर और रुपए कार्ड नहीं लिखा होता है। इस कार्ड के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हो। इस कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकते हो और इमरजेंसी में आप इस कार्ड के जरिए बैंक से भी पैसे उधार नहीं ले सकते हो। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए बनाया गया है। दूसरा है डेबिट कार्ड। ये कार्ड दिखने में बिल्कुल सेम है एटीएम कार्ड की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि डेबिट कार्ड के सामने की तरफ मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड और वीजा कार्ड लिखा होता है। इस कार्ड के जरिए आप एटीएम मशीन से तो पैसे निकाल सकते हो, साथ ही साथ आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ये कार्ड आप स्वाइप मशीन में स्वाइप करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये फर्क होता है एटीएम और डेबिट कार्ड में। दोस्तों, ये जो कार्ड है, हो सकता है कि आपके पास हो या फिर नहीं भी हो, क्योंकि ये कार्ड कुछ ही लोगों को मिलता है। क्योंकि ये कार्ड कुछ ऐसा कार्ड है जिसके जरिए आप अपने बैंक से कुछ पैसे इमरजेंसी में उधार ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के जरिए आप बैंक से पैसे उधार ले सकते हो। और जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली जितने पैसे आपने उधार लिए थे उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ये कार्ड सेम डेबिट कार्ड की तरह ही होता है। इस कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और बैंक में से पैसे उधार ले सकते हो, मगर आप इस कार्ड के जरिए एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये कार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है और अगर आपने इस कार्ड के जरिए कुछ पैसे बैंक से उधार लिए हैं और आपने उन पैसों को बैंक को टाइम पर रिटर्न नहीं किया तो उन पैसों पर बैंक आपको इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है। तो दोस्तों, ये है इन तीनों कार्डों में डिफरेंस। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे